कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि 21 दिन हम कैसे काटेंगे और हमारी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद हो जाएगी, तो कुछ सोच रहे हैं कि उनका धंधा खत्म हो जाएगा। इस संकट की घड़ी में हर इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन यदि एक पल के लिए सोचकर देखिए तो इन सबसे ऊपर उठकर है मृत्यु। कहते हैं ना कि इस पृथ्वी पर दो ही चीज है, या तो आप किसी काम को खुशी खुशी कर ले और या फिर अपना रोना रोकर कर ले। आपको करना तो है ही, और जब करना ही है तो क्यों ना हम इस चीज के पॉजिटिव साइड्स देखें जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। जब समस्या किसी एक के सर आती थी तो भी हम परेशान रहते थे, और आज जब समस्या पूरी दुनिया पर है तो भी हम परेशान ही हैं। इस मुश्किल घड़ी में परेशान होने से अच्छा है कि हम ये देखें कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। लिस्ट बनाइए कि इस 21 दिन के अंदर आप अपने अंदर क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, अपनी बॉडी में क्या बदलाव कर सकते हैं, अपने दिमाग में क्या बदलाव कर सकते हैं और अपने अंदर क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। लिस्ट बनाइए उन मोटिवेशन किताबों की जो आज तक आप पढ़ना चाहते थे और अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते थे, लेकिन समय के रहते पढ़ नहीं पाते थे, अब उन्हें पढ़िए। लिस्ट बनाइए उन मूवीज की जो आप देखना चाहते थे, इंस्पायर होना चाहते थे, लेकिन अभी तक देख नहीं पाए थे, उन्हें देखिए। लिस्ट बनाइए अपने आप के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन कौन सी चूक है जो अभी तक आप करते आ रहे थे जिसकी वजह से सफल। मुझे नहीं पता कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है या नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है या नहीं, लेकिन यदि तुम इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब तुम जुनून तो भरना चाहते हो कुछ कर गुजरने का, लेकिन तुम्हारा दिमाग खाली पड़ा है उस गुल्लक की तरह जो इंतजार कर रही है अपने अंदर एक सिक्का डालने का। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं है जो तुम्हें हर सुबह उठने पर मजबूर करे। जैसे सचिन तेंदुलकर का था कि उठ तुझे दुनिया का नंबर वन खिलाड़ी बनना है, जैसे अर्नॉल्ड का था कि उठ तुझे दुनिया का नंबर वन बॉडी बिल्डर बनना है। शायद तुम्हारी जिंदगी में आलस से भरा पड़ा है, शायद लक्ष्य होने के बाद भी तुम अपने सपनों को झुठला रहे, या शायद तुम सिर्फ नींद में सपने देखना चाहते हो, तुम खुद उन्हें पूरा नहीं होने देना चाहते हो। यदि ऐसा है तो क्यों देखते हो ऐसे वीडियो, क्यों जलाते हो अपने अंदर मोटिवेशन की आग को, क्यों अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, अपने आप से सवाल करो क्यों। लेकिन यदि ऐसा नहीं है और वाकई में आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो उठो और उठते ही हर दिन सबसे पहले अपने लक्ष्य से मुलाकात करो। यदि सिंगर बनना है तो अपने हारमोनियम से मिलो, यदि बॉडी बिल्डर बनना है तो अपने डंबल से मिलो, यदि क्रिकेटर बनना है तो अपने बल्ले से मिलो, और यदि IAS IPS बनना है तो अपनी किताबों से मिलो, उनसे छुओ उनको, उन्हें अपने अंदर महसूस करो, अपने रग रग में उन्हें समा लो। अरे ऐसे ही नहीं कोई इंसान महान बन जाता, ऐसे ही नहीं हजारों लाखों लोग उन्हें जानने लगते हैं। वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने लक्ष्य को हर दिन अपने अंदर समाता है, घंटों उसकी तपस्या करता है, तब जाकर सफलता शोर मचाती है, ऐसा शोर कि पूरी दुनिया को वो शोर सुनाई देता है। एक बंद कमरे की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचती है, क्योंकि वो सपने बंद आंखों से नहीं देखता है, वो सपने खुली आंखों से देखता है, और आंखें खोलने के लिए सुबह जागना पड़ता है।